नमस्कार दोस्तों, जितने भी विद्यार्थी बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम देकर रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, मैं उन सबको बता दूं, आप लोग का रिजल्ट ना कल रात में ही आ गया था। 10:23 में आप लोग का रिजल्ट जारी किया गया था। तो अभी हम सुबह में आपको ये वीडियो दे रहे हैं क्योंकि रात में बहुत सभी लड़के सो गए थे, ठीक है ना। तो सब लोग अपना अपना रिजल्ट चेक कर लीजिए। एकदम 101% दोस्तों आप लोग का रिजल्ट मतलब कि जारी कर दिया गया। अभी दोस्तों मैं आप सबको बता देता हूँ, उसका जो नोटिस आया था ना, यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, श्री अनंत किशोर अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा डिप्लोमा ई एलिमेंट्री एजुकेशन इनके डी एल एड संयुक्त परीक्षा 2024 का परीक्षा फल जारी किया गया, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं कितना परसेंट विद्यार्थी पास है। अभी हम आपको चेक करने का लिंक बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक दिए हैं चेक करने के लिए। डी एल एड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के परीक्षा फल 429,159 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इसमें इतना विद्यार्थी मतलब सफल हुए हैं, 75.43% आपका पास परसेंटेज है, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं आपको कहाँ पर चेक करना है। अभी मैं आपको लिंक बता देता हूँ, सब कुछ यहाँ पर दोस्तों लिंक ओपन हो गया, कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। अभी देखो आपको मैं बता देता हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए आपको लिंक मिलेगा। अगर लिंक मिल जाएगा उस पर क्लिक करके डायरेक्ट चेक कर लीजिए, नहीं तो गूगल ब्राउजर ओपन करिए, मैं आपको बता देता हूँ। सब लोग अच्छे से चेक करिए, सभी लोग पास हो गए होंगे, जो अच्छे से पेपर लिखे होंगे ना पक्का पास हो गए होंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे आपको चेक करना है। गूगल ओपन करिए, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैंने फाइनली गूगल ब्राउजर ओपन कर लिया, आप लोग भी ओपन कर लेना। और यहाँ पर दोस्तों सर्च बार में आकर आपको सर्च करना है, studyplusofficial.com। ध्यान से देखिए आपको क्या लिखना है, studyplusofficial.com आप लोग को लिखकर सर्च करना है। जैसे आप लोग studyplusofficial.com लिखकर सर्च करते हो तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अब इस पेज में दोस्तों आपको इधर कोना में इधर दोस्तों 3 लाइन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करिए। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो नीचे यहाँ पर दोस्तों आपको इधर बगल में आपको एजुकेशन न्यूज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करिए। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं ऐड आएगा तो उसको काट देना। उसके बाद से यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये 11th एडमिशन लोगों का मेरिट लिस्ट का है, और उसके बाद से यहाँ पर जो मार्कशीट मिलता है वो है, और उसके बाद से ये 3rd नंबर पर आपको मिल जाएगा डीएलएड एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो है, इस पर आप लोग क्लिक कर देना। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो नीचे आप लोग चले जाइएगा, एकदम नीचे चले जाइएगा। यहाँ पर आप लोग देखिए यहाँ पर आपको कट ऑफ चेक करने का भी मिल जाएगा और डीएलएड रिजल्ट का लिंक आपको मिलेगा, इस पर क्लिक करिए, देखिए आपका लिंक ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यही है ना डीएलएड मतलब कि जो आपका एग्ज़ाम है उसका रिजल्ट है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए कहाँ आपका है, कौन सा सेशन आपका रिजल्ट वाला, ये देखिए 2024 वाला है ना फर्स्ट ईयर का, यहाँ पर है, आप इस पर क्लिक करिएगा ना तो आपका चेक हो जाएगा, यही आपका रिजल्ट, ठीक है ना। जो भी यहाँ पर आपको न्यूज देखना होगा यहीं से आप देख सकते हैं, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2023 का भी आपका रिजल्ट है, लेकिन 2024 वाला आपको रिजल्ट चेक करना है। यहाँ पर देखिए ये वाला आपका है ना, इस पर क्लिक करिए, नहीं ये नहीं है, इधर है, यहाँ पर देख लीजिए इधर है आपका, उस पर क्लिक करिए, आपका ओपन हो जाएगा। और ओपन हो जाएगा आप यहाँ पर जो भी आप डॉक्यूमेंट मांग रहा है आप देख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों बताया गया 2024 का फर्स्ट ईयर का है, ठीक है ना, ये रिजल्ट हो। सब लोग अच्छे से आकर यहाँ से अपना अपना रिजल्ट चेक कर लीजिए, ठीक है ना। जो भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में हमें बताना, वीडियो को लाइक करना और लगे हाथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना आप लोग, ठीक है।